तेरे बस की बात नहीं होए, तू नहीं हो सकता भर्ती, चल आ जा रे पे, चल। ना तेरी बॉडी चौड़ी, ना तू भाग सके, हैं? तू वही काम कर जो तू कर सकता है, तू बकरियां चारता, तू बकरियां चार। सिर्फ भाई बकरियां चारने के लिए नहीं हुआ पैदा मैं। अच्छा, बंदूक उठाई जाएगी तेरे से? जल्दी कर जल्दी कर, जरा दूध भी गढ़ना ना जी। यासिर भाई, बंदूकें ना वैसे मैंने भी बड़ी उठाई हैं मुजाहिदीनों की। अच्छा, बन जा फिर मुजाहिदीन। अस्सलाम ना, वो 5 रुपए की गरी थे, 10 रुपए का छुआरा दे। मुझे पैक करूँ तो यो तोड़ो चार तो बशीर कलाटी का छोड़ा। नहीं, इसलिए देर होगी ना। के देर ही है, 3-5 मिनट तेरा लगेगा। अकाउंट छोड़ गया वो बशीर कलाटी तो यो नज़दीक है। 3 तपाली 3 लेगा जो चाहता तकलीफ है। 3 चा चा यो छोड़ा, चलो तेरा सामान पैक करूँ। पैक करके तरह ले जाइए। जी जी, छट कर, जल्दी कर। अच्छा, तुम काट के रखा वो सामान तेरह पैक क्या करने पैक तू ले जा, छोड़ गया। जल्दी कर, चिका देता अगर मैंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चिकाती चाहता तकलीफ है। ये बोरी नहीं चाह सकता, कांज को काम कर रहा था। जिंदगी ना जी बड़ी ठीक ठाक सी गुजर रही थी, ना कोई परेशानी ना कोई स्यापा। बस अपनी बकरियों के साथ जंगल चला जाता था, दिन में बकरियां चारो, अपने दोस्तों के साथ मैच खेलो। कदे कदे वीडियो हॉल भी चला जाता था फिल्में देखने। आज देवगन बड़ा पसंद था जी मेरे को। उर्दू थोड़ी अच्छी ना हो तो माफ करना, सारे बोलते हैं मैं गुलाबी उर्दू बोलता हूँ। बेफिक्रा होके दरिया के एक तरफ से गटियाँ उठा के दूसरी तरफ मारता था जी, और देखता था कि पानी के ऊपर से चलती हुई गट्टी पार होगी कि नहीं, और हर बार थोड़े से फासले से रह जाती थी। मगर इस बात से मैं परेशान नहीं होता था, क्योंकि गट्टी दूसरे किनारे के पास जाकर रह जाती थी तो लगता था इतना फासला तय हो गया तो पार भी हो जाएगी। और शाम को रामशाह चाचा की दुकान के बाहर रेडियो पर क्रिकेट मैच सुनना भी बड़ा अच्छा लगता था। मगर एक बात की समझ नहीं आती थी कि सारे पाकिस्तान के लिए क्यों दुआएं करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है हम हिंदुस्तान में रहते हैं, मगर जो भी हो, जीत हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की, मज़ा बड़ा आता था। जनाब, आप यहाँ पे एक राउंड रोज लगाते हैं। कोई बात नहीं, आपका खौफ है जीत साहब, आप आ गए, खौफ ही खौफ होगा बेटा, ठीक है।
ओए छोटे जी जनाब जा बोतल लेके आ जी जनाब ओए इधर आ ओए क्या जनाब यहां के मौलवी ने तो बंद कर दिया यहां का ठेका आपको कौन से लाना पड़ेगा ओए पत्थर मारते हो ओए वालेकुम सलाम सुना कल तेरे इलाके में कोई पथराव हुआ यार पथराव नहीं ये बच्चे बोल रहे थे यार पता नहीं बच्चे ऐसे मखौल करते रहते हैं अच्छा मेरी फोटो तैयार होगी भाई जी देखता हूँ भैया आज मत बोलना कि फोटोज रेडी नहीं है ना जी आपकी फोटो तो रात को ही निकाल के रख दी थी मैंने हाँ ये लीजिए थैंक यू भाई जी ये कौन थी दफा हो जा भाई मास्टर साहब की बेटी है वो कॉलेज में पढ़ती है और तेरे जैसू के मुंह नहीं लगने लगी मैं तो ऐसे मखौल में पूछ रहा था जी वो मेरी फोटो भाई ले ले जा जी और मेरे पैसे तो दे जा यहाँ जी मैं हाँ हाँ तू इधर आ मैं जी ओ टकिए ना हाँ जी तू वही है ना जो कल रियाज की शादी में घूर घूर के देख रहा था हाँ जी नहीं जी क्या हाँ जी नहीं जी झूठ बोलता है नहीं देख रहा था अच्छा छोड़ ये बता मैं कैसी लग रही हूँ अच्छा लग रही हूँ दोस्त बनेगा मेरा नाम क्या है जी आपका चांदनी मैं लतीफ जिंदगी का ना जैसे तख्त ही पलट गया था जी लंगूर के मुंह में अंगूर ये सुना था इस बात को हकीकत होते पहली बार देख रहा था एक परी आ गई थी जी जिंदगी में जो दोस्त सड़क पर चलते हुए मजाक उड़ाते थे अब वो इज्जत करने लगे थे बड़ा अच्छा लगने लगा था जी कभी कभी घूमने जाते थे बाज़ार में सारे लोग घूर घूर के देखते थे उसे शायद अजीब लगता था लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था वैसे तो ना जी झूठ नहीं मारा मैंने कभी ज़िंदगी में मगर पहली बार मारा जब दोस्त पूछते थे तो थोड़ी सी कहानियाँ मैंने भी बना के सुना दी बड़ा अच्छा लगता था जी पकड़ ही लिया था मेरे को मैं भी पीछे काटने वाला था पकड़ के टालिया उसका ज़मीन पर बेचारी ने चेहरे का रंग ही उड़ गया था बोलने लगे कि शादी करूँगी तो तुझी से करूँगी बताओ अच्छा एक बात बता जी कभी किसी लड़की को चिट्ठी भेजी है मुझे तीसरी क्लास में भेजी थी एक बार तो चिट्ठी मास्टरनी के हाथ लग गई मास्टरनी ने इतना मारा कि दोबारा स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी है तो स्कूल गए जी अब, नहीं पर तुम बकरवाल लोग तो घूमते रहते हो ना कभी इधर कभी उधर नहीं जी वो मेरे अबू ने ना घर ले लिया वो बोलते हैं कि एक ही तो ज़िंदगी है अगर उसको भी अच्छे से ना जिया तो क्या फ़ायदा उन्हें जी पहले भी हम जाते थे फ्री वाले स्कूल में आंगनवाड़ी बोलते हैं जैसे दाखला नहीं होता जी वहाँ पर बस तख्ती बस्ता उठाओ और चले जाओ स्कूल और स्कूल भी बहुत अच्छे होते हैं जी पढ़ो ना पढ़ो पास कर देते हैं साथ में खाना फ्री मुझे तो खुद पता नहीं चला कि मैं तीसरी क्लास तक कैसे पहुँच गया
क्या हुआ जी? नहीं कुछ नहीं। और अगर पढ़ लेता तो क्या बनता? मैं तो जी पुलिस वाला ही बनूंगा। मतलब तीसरी क्लास वाले बन जाते हैं पुलिस वाले? हाँ जी क्यों नहीं, वो आजकल मुजाहिदीनों के खिलाफ जो भर्ती हो रही है ना, एसपी बोलते हैं जैसे, 1500 रुपये महीना, और अगर किसी मुजाहिद को मार दो तो तरक्की अलग से मिल जाती है। खैर छोड़, ये बता तुम मेरे लिए क्या कर सकता है? आपके लिए तो पुलिस वाला ही बनूंगा जी। पुलिस वाला जी? पर मुझे तो मुजाहिदीन बड़े पसंद है, बनेगा? शकल देख अपनी। ओए उल्लू दे पठिया, जल्दी कर ना, लकड़ियां चुके इधरों उधर नहीं रख सी, हैं? तेरे अंदर ताकत कुत्थों आ सी, हैं? जल्दी कर, शाबाश शेर बन के भर्ती होना है ना। यासिर भी अब जाऊं, वो मेरी बकरी। अरे कुछ नहीं होने लगा तेरी बकरियों को, जा शाबाश, लकड़ियां उठा, चल 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 जा। यासिर भी एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो पूछ। ये मुजाहिदीन कैसे बनते हैं? वाह यार लतीफ़ है, तेरी तो आश यार। हमें देख ले, बीए पास आदमी हूँ, ना नौकरी मिली ना लड़की, ये बंदूक उठाए फिरते रहते हैं इन्हीं जंगलों में। और तू तीसरी फेल आदमी, ये ढीला सा बदल लेके बकरियाँ चराता रहता है सारे दिन, और बफलियाज की सबसे खूबसूरत लड़की तेरे से प्यार करती है। ना हो कैसे जाता है ऐसा, मतलब ना शक्ल देखी ना कल। उम्मीद में अभी शक्ल का मजाक ना उड़ाओ, अभी सीरियस हूँ मैं। अच्छा भाई हम भी सीरियस हो जाते हैं, ना जवाल कौन सा हो गया जो इस मंदी सी शक्ल को और मंदा करके बैठा है। फारूक भाई वो बोलती है कि उसे मुजाहिदीन बड़े अच्छे लगते हैं और मैं उसके लिए मुजाहिद बन जाऊँ। उसको सच में मुजाहिद पसंद है? हाँ ना, मतलब जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने का मौका तो मिल गया तुझे, साथ में परी फ्री। वाह यार, चल अक्का से बात कर रहा था तेरी, बन जा मुजाहिद, इसे मुँह लटकाने वाला क्या है। मुझे नहीं बनना मुजाहिद उम्मीद भाई। क्यों? वो यासिर भाई है ना अपने, वो बोलते हैं कि मुजाहिद रंडियों की पैदाइश होते हैं, हराम के जने होते हैं, बच्चों पे जुल्म करते हैं। वो कहते हैं कि अगर उनका बस चले ना, सारे मुजाहिदों को लाइन में लगा कर ना एक साथ कत्ल करते हैं सबका। एक तो आप लोग इस तरह की शक्लें ना बनाया करो, आपकी शक्लें देखकर ना बच्चे भी डर जाते हैं। आपने मदद करनी है करो, नहीं तो मैं ये चला। ठहरे, तू दोस्त ना होता ना तो गोली मार देता तुझे भी। चल ठीक है, करूँगा मदद तेरी, मगर बदले में आपने उस यासिर भाई से ज़रूर मिलाना। हाँ जी मिलवा दूँगा। चल ठीक है। ओ यार सुना है कि सुरन कोट में जिम खाना खुला है। जिम खाना? वो अंग्रेजी मशीनें होती है वहाँ पे। हाँ। जब मैं जम्मू में बीए कर रहा था ना वहाँ जाता था, कसरत किया कर वहाँ, बड़ा मज़ा आता है। बॉडी बन गई तेरी फिर तो कोई मसला ही नहीं रहेगा। मगर अमित भाई मैं वो यासिर भाई की दुकान पर लकड़ियाँ उठाता हूँ तो मेरी कसरत हो ही जाती है ना वहाँ पे। और डंगर, कसरत करने के कोई तौर तरीके होते हैं, ऐसा नहीं लक्कड़ उठाने से बन जाती बॉडी, समझा? अच्छा जी। हाँ क्या कर रहा है तू, ऐसे करते हैं और छोड़े। और ये बता तू पहन के क्या है, ट्राउजर पहना कर मेरी तरह, वो देख पीछे देख, चल चल छोड़ लेट जा वहां, छोड़ जल्दी लेट जा।
السلام علیکم فردوس بھائی. وعلیکم. اور تو کہاں آ رہا ہے؟ آج جم بند ہے اور کچھ دنوں کے لیے بند ہی رہے گی. مگر کیوں فردوس بھائی؟ سارے پتھر مارنے گئے ہیں. پتھر مارنے گئے کسے؟ ارے یار مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ہندوستانی آرمی کو کشمیر سے نکالنا ہے. اب تو بھائی یہی کرنا ہے, روز سڑکوں پہ جاؤ اور پتھر مارو. ہٹ ذرا. کیا بات کر رہے ہو فردوس بھائی؟ جو آرمی گولی بارودوں سے نہیں ڈرتی اسے پتھروں سے بھگاؤ گے؟ تجھے میں نہیں سمجھا سکتا. نہیں بھائی کچھ دن کے لیے جم بند ہے اور تو بھی نہیں آئے گا, میں بھی نہیں آؤں گا, سمجھا؟ آپ بھی پتھر مارنے جاؤ گے؟ ہاں بھائی میں بھی جاؤں گا پتھر مارنے. آپ کو ڈر نہیں لگے گا؟ سنا آرمی والے تو ٹوک اٹھتے ہیں وہاں. سن محلے والے نا سارے مجھے نامرد کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ تو کچھ نہیں کر سکتا. اب میں پتھر نہیں ماروں گا, میں پتھر مارنے والوں کے پیچھے کھڑے رہوں گا. سنا ہے 50-50 روپئے ملتے ہیں روز. چل ٹھیک ہے جا. بڑی عجیب عجیب سی باتیں ہونے لگی تھی. لوگ سڑکوں پر نکل آتے تھے پتھر مارنے کے لیے, پھر آرمی کی گولیاں چلتی تھیں. اس سارے قصے میں یہ سمجھ نہیں آتا تھا کون صحیح ہے اور کون غلط. وہ جی آپ کے لیے نا گانوں کی کیسٹ لایا تھا جی. کیسٹ؟ جی. اس میں نا جی اجے دیوگن کے سارے گانے بھروا دیے میں نے. کمار سانو کے گانے. وہ ریاضی نے نا کوڈ مارا ہوگا, پھر وہ نا اجے دیوگن کی فوٹو لگا کے کسی اور کے گانے بھیجتا ہے. سن گانے کمار سانو گاتا ہے اور ہونٹ ہلاتا ہے اجے دیوگن. ہاں جی ہاں جی. اچھا جی اچھا چل چلو تھینک یو. سن لچھی ماں سے نا بہت دیر سے دیکھو ڈھونڈ, جلدی سے جا کھانا سب کو کھلانے جا. اچھا اچھا آپ گانے سن لینا جی. ہاں جی. کیا چکر ہے, کیوں اس بیچارے کو گھما رہی ہے؟ تجھے بڑا ترس آ رہا ہے؟ اور نہیں تو کیا, وسیم اور تیرے جھگڑے کے بیچ میں اس کو کیوں لا رہی ہے؟ سن اچھا ہے نا جل بھون رہا ہوگا, اور پتہ ہے اس کے ساتھ نا فوٹو کھنچوا کے بھیج دی میں نے. ہائے ربا تو کتنی کمینی ہے. ہونا پڑتا بیٹا ورنہ یہ مرد جاتا نا ساری عمر لڑکیوں کو نا اپنے پیروں کے نیچے رکھتے. خیر چھوڑ تو نہیں سمجھی, چل جو میرا من کرے گا میں وہی کروں گی, سمجھا؟ مان جانا یار اتنی کیا ناراضگی ہوئی. مان جانا پتا ہے ایک مہینے بعد اپنی بتھی دکھا رہا ہے, موٹر سائیکل کے آگے ہاتھ میں بڑا ہیرو بنا گھومتا ہے. نہیں مانے گی نا؟ نہیں. اب تو دیکھ میں کیا کرتا اس وقت. تجھے جو کرنا ہے کر, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. سنو بات کر اس سے. اوئے ادھر آ. تیرا نام لطیف ہے؟ ہاں جی میں ہی ہوں. او تو پھٹو کے جا, تو چاندنی نہ پھٹو, تو چاندنی تو چاندنی پھٹو کے جا, تو پھٹو سے چاندنی. کوئی تھا کون وہ, شکل بکل دیکھی اس کی؟ میز بھائی پہلے ہی تھپڑ میں ہوش اڑ گئے تھے, ذرا سی دیکھی تھی وہ بھی بھول گیا. گاؤں کا تھا باہر کا تھا, کچھ تو دیکھا ہوگا. کچھ بھی یاد نہیں ہے. چاندنی نے چٹھی بھیجی. چاندنی کی چٹھی؟ ₹2 اور جس نے چٹھی دی اس نے نہیں دیا گیا؟ دا قسم اس نے ایک پیسہ نہیں دیا. ذرا میرے پاس تو نہیں ہے, فاروق تیرے پاس ہے؟ دیکھنا پڑے گا. نہیں میرے کون دے گا؟ اکا آپ کے پاس ₹2 تو ہوں گے, بچہ ہے دے دو. اللہ کے بندو کچھ تو ہوگا, اب پیسے بھی آکا دے گا؟ دن داڑے بے حیائی, یہ لڑکیوں کی چٹھیاں اور کچھ تو لحاظ رکھو. لحاظ کیا تبھی تو آپ سے ₹2 مانگ رہا ہوں, ورنہ باقی اسے میں ₹4 لیتا ہوں. دیکھ کیا رہی ہو آپ؟ تو بچے تیری شکل دیکھ کے دے رہا ہوں, لو دے اسے. اور اب دکھنا نہیں یہاں مجھے.
अब चिट्ठी भी मेरे सामने ही पढ़ोगे? अब कुछ हया नहीं रही है आप में? कैसा चाहते तो नहीं है हम, पर अभी खाना खा रहे हैं ना, तो कहाँ जाएंगे आप? बैठ जाइए यहीं पे आप भी। आप तो इसके साथ तबाह रहोगे, अल्लाह आपको तबाह करने वाला है। आपने तो तबाह होना ही होना है, और इन सबको तबाह करके रखोगे साथ में।